स्त्री की सुंदरता शाप या वरदान, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। स्त्री सुंदर दिखती है तो उसके तरफ काफी लोगों की नजर जाती है, लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। सुंदर स्त्री होना, सुंदर पत्नी होना, ऐसा लोगों को हरेक को लगता है, मगर सुंदरता ये शाप है कि वरदान है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या होता है कि सुंदर लड़की जब पैदा होती है, अब बचपन में मतलब पैदा इससे तो मालूम नहीं पड़ता इतनी सुंदर है नहीं, मगर ऐसी बड़ी हो जाती है और सुंदर दिखती है तो काफ़ी लोगों की नज़र उसकी तरफ जाती है कि नहीं ये लड़की बड़े होने के बाद बहुत सुंदर दिखेगी। उसको सामना करना पड़ता है उसके रिलेटिव्स, ज्वाइंट फैमिली होंगी या रिलेटिव्स होंगे, उनके लड़के जो होंगे उनके नज़र का, बड़े भी रिश्तेदार होंगे उनका, मतलब लोग एक अलग नज़र से उसको देखते रहते हैं। सुंदर लड़की रही तो सुंदरता के तरफ लोग देखते रहते, उसकी तारीफ करते रहते हैं। अब होता क्या है कि सुंदरता है, तारीफ कर रहे हैं लोग, आगे पीछे घूम रहे हैं, लड़की भी आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उसको जरा अहंकार भी हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ, देखो मुझे कितने लोग वाहवाह करते हैं, तारीफ करते हैं, और उसका ईगो भी है, अहंकार भी, उसको अच्छा लगता है कि नहीं मेरे तरफ काफ़ी लोगों की नज़र है, मैं वांटेड हूँ सब जगह, लोग पूछते रहते हैं। कभी वो कहीं इसमें हिस्सा लेती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस दैट सिटी, उसमें उसको पुरस्कार मिल जाते हैं, तो कहीं एक्टिंग भी मिल जाती है, तो मतलब उसका तो एक अलग ही माहौल रहता है और वो एक सुंदरता उसको एक वरदान हो जाता है। मगर उसके साथ साथ जो नज़र लोगों की, जो नज़र से देखते हैं आजू बाजू के लोग, लड़के लोग, बड़े लोग भी, वो नज़र कुछ लोगों की बहुत ही ख़राब रहती है और वो ख़राब नज़र से देखते हैं और उसका सामना वो लड़कियों को करना पड़ता है, उनसे बचना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला तो उसको बचना भी पड़ता है वो लोगों से। घर के लोग काफ़ी सारे बंधन उसमें डालते हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये समय बाहर निकलो, ये समय घर पे आ जाओ, लोग बहुत बुरे हैं, लोगों की नज़र बहुत बुरी रहती है, वो आपको कुछ कर देंगे, लड़की बहुत सुंदर है उसके ऊपर लोगों की नज़र जाएंगी, आजू बाजू के गली के लड़के लोग उसका पीछा करेंगे, जब वो घर पे आएंगी लेट होगा तो उसके ऊपर टॉन्ट मारेंगे, तो इसलिए उसको बाहर जाने भी देती नहीं, मतलब उसको जैसा सुंदरता तो है, तारीफ भी हो रही है, मगर एक पिंजरे में वो बंदी हुई है, उसका भी उसको सामना करना पड़ता है। अच्छा, शादी हो गई तो शादी के बाद में भी वही है, शादी के बाद में पति को ऐसा लगता है देखो मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो बाकी भी लोग उसके साथ में बातचीत करना चालू करते हैं, ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं इसके साथ में बातचीत करूँ, तो उसको शक आता है कि नहीं भाई बाकी लोग जरा उसके साथ में ज़्यादा ही नज़दीकी बता रहे, उसको डर भी लगता है कि किससे बात कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है क्या, किससे कॉल आ रहे क्या, किसके कॉल आ रहे, क्या बातचीत कर रही है। अच्छा, सुंदर रहने के बाद में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो फिर घर के कॉम्पिटिटर्स, उसकी ननन जो है मतलब पति की सिस्टर है और बाकी भी लेडीज़, वो भी उसके साथ में मतलब उनको वो अच्छे उसको देखते नहीं, क्योंकि उसकी उसका माहौल अलग रहता है, कीमत अलग रहती है, तो वो अच्छे देखते नहीं, फिर उसका भी उसको सामना करना पड़ता है और बाकी भी जो लोग हैं रिलेटिव्स जो उसके तरफ बुरी नज़र से देखते हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। मतलब एक तरफ ऐसा है कि काफ़ी लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, मान सम्मान होता है, कीमत हो सकती है, खाना उसका स्टार खुल गया तो बड़े एडवर्टाइजमेंट में भी उसको काम मिल सकता है, तारीफ भी लोग करते हैं ड्रामा में या ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट में या कोई पिक्चर में भी उसको काम मिल सकता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया। तो उसके साथ साथ ये भी आता है कि रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, शादी के पहले भी और शादी के बाद में, तो वो हमने देखना है कि हमको एज ए सोसाइटी हमने क्या करना है, एज ए सोसाइटी हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे लोगों को हम दबा के रखेंगे तो उनका विकास होगा नहीं, उसका एक्सप्रेशन होगा नहीं, वो फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस नहीं रहेगी, दब दब के रहेंगी, दबोच दिया जाएगा और फिर उसको भी अच्छा लगता नहीं कि क्या मेरा जो मेरी जो सुंदरता है, मुझे दिखने में अच्छे हूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा ना खुद को हो रहा ना लोगों को हो रहा है, ना लोगों के साथ में मिलना जुलना है बराबर, ना लोगों के साथ में मतलब उसको ऐसा लगता है कि चलो मैं इतनी अच्छी सुंदर दिखती नहीं तो अच्छा था, मुझे कोई देखता भी नहीं था और मैं फ्री रह सकती थी। अभी क्या हो गया है कि सब लोग देख रहे हैं और फ्री रहना मुश्किल हो रहा है। जो अच्छी दिखती नहीं लड़कियाँ उनको लगता है देखो वो कितनी सुंदर है, उसको बाकी लोग कितना चाहते हैं, उसके तरफ देखते हैं, उसकी वाह वाह, अपने तरफ कोई देखता नहीं, ऐसा जो सुंदर लड़की नहीं उसको लगता है, और जो सुंदर लड़की उसको लगता है कि देखो अपने तरफ इतनी नज़र है लोगों की, इतने सारे लोग देखते हैं कि वो नहीं रहता तो अच्छा रहता था ऐसा लगता है, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है उसको।
तो ये शाप है कि वरदान है, वो अपने अपने ऊपर देखने का नजरिया है। और सिर्फ मुझे इतने बताना है लोगों को कि आप सुंदर स्त्री रहो, सुंदर स्त्री नहीं रहो उसका सम्मान करना चाहिए, बुरी नजर से देखना उसके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन मार देता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और सुंदर स्त्री है तो उसने अपने लिमिट में रही, कुछ बंधन में रही, तो फिर लोग आपके ऊपर बंधन डालेंगे नहीं। मगर आप यदि खुली रही तो पहले लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आप फ्रीली बात कर रहे हो तो फिर सबको शक आ जाता है कि अरे इसका क्या है। तो ऐसे अपन एक चौकट में रह के, एक डिसिप्लिन में रह के काम किया तो ये शाप के बदले वरदान भी हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।